हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। आप लोगों को मेरे ब्लॉग में स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ यम्मी एंड टेस्टी पास्ता की रेसिपी, जो कि बहुत क्रीमी बनता है। चलिए देखते हैं इस सब के लिए कौन कौन सी इंग्रेडिएंट चाहिए। पहले चाहिए होगा आपको पास्ता या मैक्रोनी, और फिर लहसुन की कलियां और प्याज, फिर चाहिए आपको बटर और चीज़, फिर ओरिगानो, चिली फ्लेक्स, और आप कुछ भी वेजीज ऐड कर सकते हैं इस पे। फिर चाहिए काली मिर्च की पाउडर, फिर उसको पास्ता को बॉईल कर लीजिए सॉफ्ट होने तक। फिर उसको एक अच्छे से बर्तन में छान लीजिए, उसको अच्छे से पानी डाल के धुल लीजिए। फिर कढ़ाई में डालिए थोड़ा सा बटर, बटर को मेल्ट होने दीजिए। उसमें डालिए लहसुन, प्याज और आप जो भेजीज ऐड करना चाहते हैं। उसके बाद मैदा डाल के उसको अच्छे से भून लीजिए। मैदे को अच्छे से भून लीजिए। उसके बाद उसमें ऐड करिए थोड़ा थोड़ा करके दूध, और अच्छे से मिलाइएगा उसको, जैसे गुठलियाँ ना पड़े। और उसमें डालिएगा बाद में पास्ता, पास्ता को अच्छे से उस पर मिलने दीजिए। उसके बाद डालिए काली मिर्च की पाउडर, चिली फ्लेक्स, ओरिगानो, आप मिर्ची ज़्यादा भी डाल सकते हैं। उसके बाद डालिए चीज और गर्मा गर्म सर्व कीजिए क्रीमी एंड यमी पास्ता। फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।